हाय फ्रेंड, दिस इज ई गुरुकुल। और कंटिन्यू करते हैं हमारी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज़ को, जिसमें आज के टॉपिक है हमारे एज इफेक्ट एंड एज स्पीसीज़, जिनको हिंदी में कोर प्रभाव और कोर प्रजातियां बोलेंगे। आप इस सीरीज़ का रेफरेंस ले सकते हैं शंकर एनवायरनमेंट की बुक से। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो देखिए, एज इफेक्ट की और एज स्पीसीज़ की बात करें तो इससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें बात की थी इकोटोन की। इकोटोन क्या था? जोन ऑफ जंक्शन था बिटवीन टू इकोसिस्टम, जहाँ पे ये दोनों इकोसिस्टम मिलते हैं और इस इकोटोन में ही इन दोनों इकोसिस्टम की विशेषताएं मिलती थी। जो इसमें प्रजातियाँ इकोसिस्टम मान लीजिए वन है और ये टू है, तो इकोसिस्टम वन में कुछ प्रजातियाँ जो मिलती थी जीव जंतुओं की, वो इसमें भी मिलती है, और कुछ जो टू में मिलती थी इकोसिस्टम टू में, वो भी यहाँ पे मिलती है। तो एक तरह से ये दोनों का एक तरह से जंक्शन है। यहाँ पे बहुत सारी कॉमन चीज़ें मिलती है। इसके अलावा कई ऐसी प्रजातियाँ भी रहती है जो इन दोनों में ही नहीं मिलती, ठीक है। ऐसे जीव जंतु भी इसमें पाए जाते हैं। तो इसी टॉपिक के बेस पर है कुछ एज इफेक्ट। देखिए होता क्या है, तो ये एक तरह से इकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे दो इकोसिस्टम आपस में इंटरमिंगल होते हैं, मतलब मिलते हैं, ठीक है। जो हमने इकोटोन की बात की, और यहाँ पे डाइवर्सिटी जो फ्लोरा एंड फोना की, मतलब जीव जंतुओं की, बहुत ज़्यादा डाइवर्स मिलती है, बहुत अधिक विविध मिलती है। तो इसी कोर इफेक्ट को, वे टू एरियाज़ जहाँ पे ओवरलैप होते हैं और जहाँ पे स्पीसीज दोनों जगह से मिलती है, इसी चीज़ को बोलते हैं एज इफेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे दो पारितंत्र, दो इकोसिस्टम आपस में मिलते हैं, वहाँ विशाल विविधता, मतलब डिफरेंट, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, और इसी प्रभाव को हमारा बोला जाता है कोर प्रभाव। जहाँ पे ये दोनों इकोसिस्टम यानी दो पारितंत्र आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, व्याप्त हो रहे हैं, तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती है। ओके, तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं एज इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम हैं। तो दो इकोसिस्टम जहाँ पे मिल रहे हैं, तो वहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन दोनों तरह के जीवों के लिए कुछ ज़्यादा ही लाभदायक होती है। जैसे आप बोलिए यहाँ पे एक डेजर्ट है, यहाँ पे एक फॉरेस्ट है, तो बीच में क्या होगा, आपको बर्ड्स जो रहेंगे ना सबसे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि उनको ये वो चाहे तो फॉरेस्ट में भी जा सकते हो, डेजर्ट में भी, तो वो यहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको किसी भी इकोसिस्टम में मूव करना यहाँ से इजी हो जाता है, ठीक है। अब आता है कॉन्सेप्ट एज स्पीसीज़ का, कोर प्रजातियों का। तो जैसे बात की कि जो एज इफेक्ट है उसमें कई सारी जो स्पीसीज़ है जीव जंतुओं की, वो ज़्यादा पाई जाती है। अब वो फ्लोरा भी हो सकते हैं, फोना भी हो सकते हैं, यानी पेड़ भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं। तो ये ही ऐसे स्पीसीज़ जो इस एरिया में ज़्यादा डेंसिटी में पाए जाते हैं, ऐसे स्पीसीज़ को ही एज स्पीसीज़ बोला जाता है। बात करें डेफिनेशन की, तो वो ऑर्गेनिज्म जो प्राइमरली इस एरिया में अबेंडेंट, मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब कोर जोन में, ठीक है, इकोटोन एरिया में, उनको ही एज स्पीसीज़ बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे दो इकोसिस्टम, दो पारितंत्र आपस में मिलकर ओवरलैप कर रहे हैं, उस एरिया को इकोटोन बोलते हैं। और इस एरिया में कुछ स्पीसीज़ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू दिस एंड दिस एरिया, तो इन प्रजातियों को बोला जाता है एज स्पीसीज़, और इस इफेक्ट को बोला जाता है एज इफेक्ट, ठीक है। तो इसको हम एक और तरीके से देखेंगे कि मान लीजिए ये इकोसिस्टम ए है, ये इकोसिस्टम बी है। इस इकोसिस्टम ए में ये तीन टाइप की प्रजातियाँ, तीन स्पीसीज़ पाई जाती है फ्लोरा एंड फोना की, और इसमें पाई जाती है ये तीन स्पीसीज़। तो और ये एरिया होगा हमारा क्या, इकोटोन, संक्रमिका जैसे हमने बोला था। तो अब ये देखोगे ये तीन प्रजातियाँ यहाँ पे काफ़ी वाइड एरिया में हैं, जबकि इसमें देखोगे आप यहाँ पे भी काफ़ी वाइड है ये प्रजातियाँ। यहाँ पे कुछ अबेंडेंट में मिल रही है, बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिल रही है, और इनके बीच में जो इस एरिया के कंपैरिजन में आप देखोगे तो काफ़ी डेंसर है, मतलब एरिया कम है लेकिन क्वांटिटी, इनकी नंबर्स ऑफ स्पीसीज ज़्यादा है। ओके, इसके अलावा एक स्पीसीज ऐसी भी, तीन स्पीसीज ऐसी भी कुछ पाई जाएगी यहाँ पे, जो इस भी एरिया में भी नहीं है, इस इकोसिस्टम में भी नहीं है, और इस इकोसिस्टम ए में भी नहीं है, इकोसिस्टम बी में भी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ खासियत होती है इकोटोन की।
तो जैसा हमने एग्जांपल के लिए बताया था एज स्पीसीज़ की, बर्ड्स का आप एग्जांपल बता सकते हो बिटवीन जो है डेजर्ट एंड फॉरेस्ट के बीच में। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर कहीं पे डेजर्ट और फॉरेस्ट जहाँ पे मिल रहे हैं तो इसके बीच में आपको जो पक्षी है उनकी, कुछ पक्षियों की क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसी को बोलते हैं एज स्पीसीज़, और इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं एज इफ़ेक्ट। ओके, सो ये छोटा छोटा सा टॉपिक था लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूपीएससी परस्पेक्टिव से। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, कोई बड़ा टॉपिक ये है नहीं। गुड डे, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।